इंदौरा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। विश्व हिंदू परिषद के चंबा नूरपुर प्रांत अध्यक्ष उदय पठानिया के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के दौरान परिषद के साथ बजरंग दल के भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रांत अध्यक्ष उदय पठानिया ने कहा कि इस क्षेत्र में नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये एक ज्वलंत समस्या बन गया है जिसकी गिरफ्त में नौजवान पीढ़ी लगातार आ रही है। उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी इस नशे की बुराई से दूर रह सके। इंदौरा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के चंबा नूरपुर प्रांत अध्यक्ष उदय पठानी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के दौरान परिषद के साथ बजरंग दल के भी कई पदाधिकारी शामिल हुए। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रांत अध्यक्ष उदय पठानी ने कहा कि इस क्षेत्र में नशे का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बनी हुई है जिसकी गिरफ्त में नौजवान पीढ़ी लगातार आ रही है। उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कोई पुख्ता कार्रवाई अमल में लाएं ताकि नौजवान पीढ़ी को इस नशे की बुराई से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से भी मांग की कि वो बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने भद्रोया और छन्नी बेली क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा इस कारोबार को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकतर मामलों में इसी समुदाय के लोग इस कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं, इसलिए पुलिस इन लोगों से कड़ी पूछताछ करे तो बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसी समुदाय के लोग जो प्रवासी हैं लेकिन अब वो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए हैं। उन्होंने सरकार से इनकी संपत्तियों की जांच करने की बात कही। आज विश्व हिंदू परिषद की इकाई ने जो स्थानीय संगठन और स्थानीय लोग उनको साथ लेके मुख्यमंत्री जी को एक एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है जिसमें क्षेत्र में चिट्टे का बढ़ता कारोबार उसके खिलाफ जो है लोगों ने एक मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसके खिलाफ कड़े जो हैं नियम जो हैं वो बनाए जाएं और जो चिट्टे का जो काम कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं जो दो दो तीन तीन बार इस उसमें आरोप में पकड़े गए हैं उनकी जमानत जो है वो ना हो। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो चिट्टे के कारोबारी हैं उन पे जो है वो नकेल कसी जाए, पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाए ताकि जो ये जो कारोबार हो रहा है यहाँ पे इस पे लगाम लगे। इसके अलावा जो प्रवासी यहाँ पे जो प्रवासी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उस पर चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि इन जो प्रवासी जो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे इनका एक पंजीकरण हो, थाने में इनका आइडेंटिटी जो है वो चेक हो, इनकी शिनाख्त हो, ताकि कई बार देखा गया है कि बाहर से जो अपराधी हैं वो यहाँ पे आके रह रहे हैं और उनके लिए बड़ा एक सुरक्षित ठिकाना बन गया हुआ है। आने वाले जो समय है ये एक बड़ी विकराल जो समस्या है धारण करने वाली है, तो इस ये मांग जो है विश्व हिंदू परिषद ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है वो मुख्यमंत्री को सामने रखी। वही एसडीएम बलवान सिंह ने भी स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अति आवश्यक है। उन्होंने इस तरह का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस से गुप्त शिकायत करने की बात कही। और उस तरीके से यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है यदि आप उसको डिसेमिनेट करें या पुलिस को बताएं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा इसमें सहयोग करेगी, ठीक है। हमारा आपके साथ परिषद ने इसीलिए स्टेप उठाया, आम समाज को इकट्ठा किया, परिषद ने स्टेप उठाया और आम समाज क्लैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छाई और बुराई दोनों चीजें अपने घर से शुरू होती हैं। जब हम एजुकेट करेंगे, अपने फैमिली को एजुकेट करेंगे, अपने मोहल्ले को एजुकेट करेंगे, तो धीरे धीरे इन चीजों में कमी आएगी।